मैं आपको बता दूं, मेरा ड्राइवर पंडित जी है, उसको मैंने एक दिन कहा कि पंडित जी आप ये शिविर में घुस जाओ, 1 लाख रुपए दूंगा आपको। कह रहा आप 1 करोड़ दो, मैं जब ना घुसूं। ये प्रथा है, और ये जो मतलब इस तरह के जो घृणित कार्य करने की जो प्रथा है, ये हमारे शेड्यूल कास्टों को दिया गया है ना। देखिए सर, समाज में और भी काम आ चुके हैं, लोग दुकानदारी कर सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं या अपना कुछ और धंधा कर सकते हैं, लेकिन जो वाल्मीकि समाज है हमारा, वो सिर्फ सफाई कर्मी ज़्यादा बनने की प्रयास करता है। देखिए सारा वाल्मीकि समाज ये नहीं करता, मेरा पिताजी फौज में था, मेरा भाई फौज में है, मेरा बड़ा भाई इनकम टैक्स में है, ये तो मजबूरी में आदमी करता है काम, और वाल्मीकि समाज नहीं कह सकते इसको, वाल्मीकि जाति है, बहुजन समाज है हमारा, तो वाल्मीकि जाति है। कुछ लोग बेचारे गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण ये काम करते हैं, लेकिन जो गरीब है सर वो सभी समाज में है, सभी जातियों में है, लेकिन ये ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं? देखिए ये मनोबल की बात है, मैं आपको बता दूं, मेरा ड्राइवर पंडित जी है, उसको मैंने एक दिन कहा कि पंडित जी आप ये शिविर में घुस जाओ, 1 लाख रुपए दूंगा आपको। कह रहा आप 1 करोड़ दो, मैं जब ना घुसूं। ये तो ये जो हम लोग मानसिक रूप से इन लोगों ने तैयार कर रखा कि तुम लोग छोटे लोग हो, तुम लोग घृणित कार्य करोगे, और वो लोग इन चीज़ों को माने बैठे हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा का जब तक प्रसार नहीं होगा, जब तक एजुकेशन नहीं जाएगी, जब तक इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ सकते। मैं आपको बता दूं, जब गांव में किसी बच्चे का वजीफा ना मिले ना, पूरा कुणबा स्कूल में चला जाए, हमारे बच्चे पैसे नहीं आए, वो फेल 10 बार हो जाए, कोई नहीं जाएगा। सर गाजियाबाद अज्ञानता है, अभी हमारे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, हाईटेक शहर माना जाता है वो, लेकिन वहाँ पे जो साफ करने की सीवर साफ करने का जो सिस्टम है वो पुराने ढर्रे पर चला हुआ है, वहाँ 5 सफाई कर्मियों की मृत्यु हो गई। क्या लगता है, क्या जो हमारी सरकारें हैं, जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं जो की मृत्यु के लिए? देखिए अभी यहाँ पर कितना बड़ा प्रदर्शन रामलीला मैदान में, कोई नेशनल मीडिया दिखा आपको? कश्मीर में लोगों को खुलेआम गोलियों से मारा जा रहा, कोई नेशनल मीडिया दिखा रहा आपको? देश बाढ़ से डूब रहा है, नेशनल मीडिया दिखा रहा आपको? देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, मीडिया दिखा रहा आपको? इस देश में साहब काशीराम कहते हैं मनी माफिया मीडिया, ये 3 लोग जो है ना आपके सामने खड़े हैं, ये दुश्मन आप, और वो हमारा समाज देख नहीं रहा। बहुत सारे लोग अपने समाज के भी अपने चैनलों को नहीं देखते, ये तो कुछ जागरूक लोग जो देखते हैं और वो बदल रहे हैं, और आज ऐसा नहीं है। वाल्मीकि समाज और जाटा समाज, चमार समाज है, ये दो समाज इतनी शक्तिशाली रूप से इकट्ठा हो रहे हैं कि मनुवादियों की जो है ना जड़ें हिल रही हैं, और इनको दिक्कत ये हो रहा है। अभी जब हमने मूर्तियाँ निकलवाई वहाँ छतरपुर में, तो DCP ने वहाँ के लोगों को बुला लिया, उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि संदीप भाई वो DCP परेशान कर रहा। मैंने DCP को कहा, मगर DCP तूने ढंग से रहना नहीं रहना, हमारी मर्जी हम रखे ना रखे, तू कौन होता भाई, है ना, इनका भगवान भगवान है और हमारा भगवान कुछ नहीं है, इनका राम मंदिर वहीं बनेगा और हम रविदास मंदिर है, कभी जंतर मंतर आए, कभी रामलीला मैदान आए, कभी कहीं जाए, कभी कहीं जाए, हम हिंदू कहाँ फिर भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर हम हिंदू हैं तो आज कौन सा बजरंग दल, कौन सा हिंदू परिषद, कौन लोग हमारे साथ आ रहे हैं? और ये जो जितने बाबे बैठे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, इन लोगों ने भी हिंदुत्व को बढ़ाने का काम करा है ना, आज इनकी दुकान खतरे में तो ये लोग चिल्ला रहे हैं। सर, जो सर सबसे बड़ा सवाल है आपसे आज, आप जो है जनजागरण अभियान चला रहे हैं, जो हिंदू हैं, जो दलित हिंदू हैं, उनके घरों से आप जो है मूर्तियां बाहर फेंकवा रहे हैं, ये सर जो अभियान चल रहा है ये कहां तक जाएगा आपका अभियान? देखो मैं तो जब तक जिंदा हूं भाई, माननीय साहब श्री काशीराम के मिशन पे चलूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन पे चलूंगा, पेरियार जी के मिशन पे चलूंगा, मुझे कुछ नहीं बनना। मैं बन लिया कातिया कुत्ता, एक बार बन लिया, मुझे अब कुत्ता नहीं बनना है ना। टिकट लेके केजरीवाल के कुत्ते भी आए, कह रहे जी तुझे ही देंगे भाई, लड़ लो ना, ये है वो है, मत बोलो खिलाफ, हमें कुछ नहीं बनना भाई, हमें तो इतिहास बनना है, और ये तो इतिहास बन के रहेगा ये मूवमेंट, हम इसमें लगे रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।